सो हे व्हाट्सअप गेमर्स, मेरा नाम है कुश गेमिंग और आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। मेरे पास एक ऐसा मोड है माइनक्राफ्ट के लिए जो कि आप भी डाउनलोड कर सकते हो। इस मोड में हम लोग एक क्लिक से लिटरली एक सेकंड के अंदर बहुत सारे बिल्ड्स बना सकते हैं। और ये वाला जो मोड है ये बहुत ही ज़्यादा एपिक है, मैं आपको एक बार रिव्यू करके भी बताऊँगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने एक छोटा सा एक घर बनाया था, तो चलो इसको भी रिव्यू दे देते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में घर के अंदर घुसते एक प्यारा सा स्विमिंग पूल है और यहाँ से घर के अंदर हम चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो घर के इंटीरियर और एक्सटीरियर सब कुछ एकदम अच्छे से बना हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये सिर्फ एक ही दिक्कत है, सिर्फ हम इसको क्रिएटिव में लगा सकते हैं, बस एक ही ये प्रॉब्लम है बस। और बाकी देख सकते हो कितना कूल घर लग रहा है, मतलब एक क्लिक से बनाया है यार, और क्या चाहिए। तो फिर चलो अभी मैं तुम लोगों को अगली जगह लेके चलता हूँ। चलो ये देखो, अभी हम इसको एक्टिवेट कैसे करने का है मेन बात। तो फिर आपको अपना कॉमेंट खोलना है और यहाँ पे ये डालना है स्लैश फिर फंक्शन, और इसके बाद जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। तो फंक्शन के बाद आएगा हमारा, दो लिस्ट है हमारे पास। तो पहले लिस्ट वन दिखाता हूँ आपको। तो देखो लिस्ट वन में बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं, मतलब कमांड्स आ सकते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे हमारे पास फार्म्स है, डेकोरेशन है, डिजाइन फ्लोर स्टैचू है, पिक्सल आर्ट विलेजेस और मिनी गेम्स भी है, और हाउस और एसएमपी लॉबीज भी है। मेनली अगर आपको एक एसएमपी बनाने का है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब काम आने वाला है सर्वर बनाते टाइम। और यहाँ पे अभी देख सकते हो यहाँ पे कितने सारी चीज़ें हैं। तो अभी अगर मेरे को चूज़ करना होगा तो फिर मैं अभी तुम लोग को विलेज मड वाला विलेज देख सकते हो। यहाँ पे विलेजेस के अंदर फर्स्ट ही है विलेज मड, तो मैं वो लगा के दिखाता हूँ। तो तुम्हें सिंपली इसका कमांड जो है उसको याद रखना होगा और फिर इसमें डालना स्लैश गिव एट द रेट पी, और फिर उसके बाद आपको स्ट्रक्चर अंडरस्कोर ब्लॉक लिखने का है। कुछ भी लेटर्स को मिसिंग मत करना। तो फिर देखो अभी हमें एक स्ट्रक्चर ब्लॉक मिल चुका है, तो फिर अगर हम लोग इसको अभी प्लेस करते हैं। सो देखो अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्लॉक प्लेस करने जा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं अच्छी सी जगह ढूंढ लेता हूँ। सो यहाँ पे ठीक है ये जगह अच्छी है, तो फिर यहाँ पे मैं अगर स्ट्रक्चर ब्लॉक प्लेस करता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नेम में वही कमांड डालनी जो कि आपने अपने उसमें देखा। तो अभी मैंने विलेज अंडरस्कोर मड, ये विलेज मड की कमांड थी। फिर आपको यहाँ पे जाके से लोड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देख सकते हो आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप कट करके देख सकते हो इसका बॉर्डर कितना होगा। तो फिर देखो मेरे लिए तो इतना बॉर्डर अभी सही है। तो फिर मैं अभी जाता हूँ स्ट्रक्चर ब्लॉक पे और यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे से मेरे को लोड पे क्लिक करना है एंड देख सकते हो मेरा विलेज मर्ड वाला एकदम अच्छी तरीके से बन चुका है। और ये देखो कितना कूल दिख रहा है ना, देखो कितना तब रेनोवेटेड है ये, और इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर सब चीज़ पे ध्यान दी गई है, तो आपको एक भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अभी दूसरे बिल्ड के लिए एक जगह ढूंढ के आते हैं। तो सर मेरे को सामने का एक प्लेस अच्छा लग रहा है, तो चलो ये प्लेस सही है यहाँ पे हमारा दूसरा बिल्ड करने के लिए। सो फिर यहाँ पे फिर से कमांड में जाके वही कमांड डालनी है स्लैश फंक्शन, और अभी मैं आपको लिस्ट टू भी दिखाता हूँ। स्पेस नहीं देना, ओके। सो डायरेक्टली डालना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे इसमें थोड़ा सामान कम है, बट बाद में जब मॉड अपडेट हो जाएगा उसके बाद इसमें भी बहुत सारा सामान आ जाएंगे। सो अभी तो यहाँ पे फिलहाल फाउंटेन पूल एंड सम रैंडम आइटम्स ही और फार्म्स है। सो फिर फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फिर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक मिस्टर बीस्ट की स्टैचू है, तो मैं वो भी बनाऊँगा। सो फिर चलो अभी हम लोग फटाक से ट्रांजिशन करते हैं। मैंने आगे दो बिल्ड्स भी किया है, सो ये देख सकते हो ये मिस्टर बीस्ट की बिल्ड है। एक हाथ पतला हो गया आई नो, पर देखो कितनी मस्त दिख रही है एंड इसको सिर्फ मैंने एक क्लिक में किया है। तो फिर अभी हम इसे और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ये बहुत मस्त दिख रहा है। और मैंने कि मैकडोनल्ड्स जैसा छोटा सा बनाया था, मतलब ये क्लाइंट से, और ये कितना मस्त दिख रहा है देख सकते हो, एक रेस्टोरेंट टाइप है एंड कितना कूल लग रहा है ना। और ये कितना बाहर एक्सटीरियर इस पर ध्यान दिया है। सो फिर चलो यार गाइस अभी हम इसके डाउनलोडिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाने का है, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में एक लिंक होगी जो कि मैं कमेंट में होगी तो मैं पिन करके रखने वाला हूँ। और फिर वो पिन कमेंट में आपको जाके सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना है और उसके आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। सो फिर देखो गाइस यहाँ पे हमने अपने लिंक ओपन कर दिया है। सो फिर यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल ने बनाया दांते गेमिंग करके। सो फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ से, यहाँ पे सब फोटोज एंड इमोजेस दिए रहेंगे, वीडियोस दिए रहेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया है, वही यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के दिया होगा। सो फिर अभी यहाँ पे अपने नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोज दिखते हैं। और यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे दो दो लिंक्स दी गई है, तो आपको सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करना है। देखो सो अभी आप इस पर क्लिक करते हो तो इस पर थोड़ा सा लोड लेता है आपके नेट के स्पीड के हिसाब से, और ऐसे बिग बॉक्स आ जाएगा और इसके बाद थोड़ी देर के बाद ही
थोड़ा सा नेट भी यहाँ पे स्लो चल रहा है, तो फिर जब भी मैं थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा और इसके बाद आपको ये एक प्लीज वेट पे लेके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 100% तक होने तक के लिए रुकना होता है, फिर यहाँ पे फटाफट हो जाएगा। और गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, गाइस न्यू चैनल है, हमको बहुत जल्दी ही 100 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव करना है गाइस, जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइस। तो फिर चलो गाइस हमारा यहाँ पे 80% ऑलमोस्ट हो चुका है एंड यहाँ पे थोड़ा देर और रहेगा और ये हो चुका। सो फिर अभी ये थोड़ा यहाँ पे गेट डाउनलोड्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपको एक और पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऐसा पूछा जाएगा, तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना, मैंने ऑलरेडी किया है इसके लिए ऐसा आ रहा है। फिर यहाँ पे करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है बस, और यहाँ पे जस्ट वन से क्लिक करने के बाद आपके माइनक्राफ्ट में ये ओपन हो जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।